ऑपरेशन रद्दुल फसाद, सखर में दहशतगर्द मारा गया। खैरपुर में खतरनाक डाकू, मुल्तान से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अटक समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 13 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके हसनगोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इमाम काबा का मंसूरा में नमाज फजर के बाद खिताब, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के नए सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद पाकिस्तान पहुंच गए, सदर, वजीर आजम और मुशीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। सोल्जर बाजार कराची में कब्जा माफिया की जानिब से स्कूल का एक हिस्सा गिरा दिया गया, तलबा के लिए मुतबादिल इंतजाम नहीं, मलबे पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। चित्राल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती में सियासी मुदाखलत का इंकशाफ, HEC के तजवीज करदा नामों को नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में पुलिस कांस्टेबल्स की 92वीं पासिंग आउट परेड, अहलकारों ने फनी तरबियत का मुजाहरा किया। अमेरिका की शाम में जा रही है दुनिया को एटमी जंग की जानिब धकेल सकती है, जारहाना हमले का मामला यहां नहीं रुकेगा, रूस ने वाजे कर दिया। मिस्र के गिरजाघरों में होने वाले बम धमाकों से हलाकतों की तादाद 47 हो गई, मिस्री सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी, पूरे मुल्क में फौज तैनात।